जीवन में सफलता तो हर कोई चाहता है, लेकिन सोचिए कि कहीं ऐसा हो कि एक ही साथ एक ही क्लास में पढ़ाई करने वाले दोस्त देश की सेवा में लग जाए तो कैसा हो। नमस्कार, द खबरदार न्यूज में आपका स्वागत है। ऐसा ही एक वाक्या मध्य प्रदेश के रीवा सैनिक स्कूल का है, जहां इस स्कूल के दो बच्चों ने एक ही साथ एक ही क्लास में पढ़ाई की। इनमें से एक भारतीय सेवा का थाल सेवा प्रमुख बना तो दूसरा नौसेना का अध्यक्ष। बता दें कि दिनेश कुमार त्रिपाठी 3 महीने पहले नौसेना के प्रमुख बने हैं, वही उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को थल सेना का प्रमुख यानी आर्मी का चीफ पद संभालेंगे। बताया गया कि उपेंद्र त्रिवेदी की शुरुआती पढ़ाई रायपुर के छत्तीसगढ़ में हुई, लेकिन 5वीं क्लास में उनका एडमिशन मध्य प्रदेश के रीवा स्थित सैनिक स्कूल में हुआ, जहाँ से उन्होंने 1973 से 1981 तक 12वीं तक की पढ़ाई की। उपेंद्र त्रिवेदी और दिनेश त्रिपाठी ने एक ही साथ सैनिक स्कूल में पढ़ाई की थी। 12वीं तक पढ़ाई साथ में करने के बाद दिनेश त्रिपाठी का सिलेक्शन नौसेना में हो गया, वही उपेंद्र द्विवेदी का थल सेना में। दोनों त्रिपाठी देश की सेवा में लग चुके हैं। दोनों ने देश की रक्षा का कार्यभार अपने कंधों पर उठा लिया है। 1 जुलाई 1964 को जन्मे लेफ्टिनेंट द्विवेदी ने NDA सिलेक्शन के बाद भी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी थी। उन्होंने नेशनल डिफेंस कॉलेज और उस आर्मी वर्क कॉलेज से भी पढ़ाई की। इतना ही नहीं, उपेंद्र द्विवेदी ने USWC कार्लिस्ले अमेरिका में प्रतिष्ठित NDC समकक्ष पाठ्यक्रम में विशिष्ट फेलो से भी सम्मानित किया गया है। ऐसे ही रोचक मनोरंजन और देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहें खबरदार न्यूज, और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।